मैं संतोष कुमार मौर्या बीएनएस गोट फार्म से। और दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बकरी के घाव का ड्रेसिंग कैसे करें। दोस्तों, बकरी पालन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके बकरे बकरियों को या उनके बच्चों को कभी भी फोड़ा फुंसी हो सकता है, कभी भी चोट लग सकता है, तो उसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है। अब उसका इलाज करने के लिए कहने का मतलब है कि बकरी के घाव का ड्रेसिंग कैसे करें। चलें, आप अगर बकरी को कोई फोड़ा हो गया या उसको घाव हो गया, आप एक बार डॉक्टर के पास लेकर गए, उसको चिड़वा दिए, फड़वा दिए या उसको बहवा दिए, कैसे भी आपने उसको एक बार सफाई करवा के ड्रेसिंग करवा लिया, तो उतने से वो ठीक नहीं होता है। उसको कम से कम, जैसा भी छोटा बड़ा घाव है, अगर छोटा घाव है तो कम से कम 3 से 4 दिन ड्रेसिंग करना पड़ता है, बड़ा घाव है तो हफ्तों लग जाता है। तो आप रोज़ रोज़ आप डॉक्टर के पास जाओगे, जा कर के उसका ड्रेसिंग करवाओगे, तो उसका खर्चा 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये आता है रोज़ का। तो आप बकरी पालन में आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि कम खर्च में बकरी पालन कैसे करेंगे। जब कम खर्च में बकरी पालन करना है तो दोस्तों, आपको अपने हाथ से ही बकरी का ड्रेसिंग करना पड़ेगा। चले, अगर आपको नहीं मालूम है ड्रेसिंग करना या घाव का फोड़ा फुंसी बहाने या चिड़ने का, तो आप एक बार डॉक्टर के पास लेके जाएं, देखें डॉक्टर कैसे कर रहा है, उसको ध्यान से देखें, उसको ऑब्जर्व करें और ड्रेसिंग कैसे कर रहा है वहाँ करवा लें एक बार दो बार। उसके बाद आप अपने हाथों से करने का ट्राई करें। जब आप अपने हाथों से एक बार कर लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब घनत्व में बकरियाँ हो जाती हैं तो बकरे बकरियों को कहीं ना कहीं चोट लगते रहता है, कहीं ना कहीं घाव होते रहता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होते रहता है। तो अब इसके लिए क्या है, उस घाव का इलाज तो हम करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देखिए, मेरे हाथ में ये बर्बरी का मेमना है, ये बकरी है, और मैं नजदीक से दिखाता हूँ, इसका नाभि देखिए, मैंने इसके पहले वीडियो डाला था, इसके नाभि में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसके घाव को कट लगाना पड़ा। कट लगाने के बाद उसका सफाई किया गया और यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये कट लगा है, ये देखिए यहाँ पर ये कट लगा हुआ है। कट करके इसका सफाई किया गया, सफाई करने के बाद इसमें बत्तियाँ डाला गया और फिर इसका घाव अभी लगभग 80% ठीक हो चुका है। और अब इसका सफाई करना है और इसके ऊपर दवा लगाना है, तो वो कैसे करना है ये सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये घाव को सफाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है या इसके ऊपर मक्खियों ने टट्टी कर दिया है या ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो गया है या कुछ कीड़े मकोड़े लग गए हैं छोटे बड़े, या तो फिर बकरियां जो है कि ज़मीन पर बैठ जाती हैं तो उसमें डस्ट मिट्टी लग जाता है, तो घाव पर कोई भी दवा लगाने से पहले उसको इस चीज़ से सफाई करना चाहिए। फिर मैं एक बार नाम बता दूँ आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ये बहुत ही बढ़िया होता है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। मैं इसका ऐड प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इससे आप सफाई कर सकते हैं या तो डिटॉल लेकर के सफाई कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सफाई करने का घाव के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कभी कभी बकरी के घाव के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप कान में तो आप दवा लगा नहीं सकते हो, हाथों से या सफाइयाँ तो कर नहीं सकते हो। अब इसके लिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ये होता है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसे कान में आप डाल दें, डाल करके थोड़ा सा इस तरीका से ऊपर उठा के रखें और मात्र 1 मिनट 30 सेकंड तक, ये कम से कम 20-30 सेकंड तक रखना है आपको। जब आप इस तरीका से रख लोगे तो वो अच्छे तरीके से वहाँ पर पहुँच जाएगा और बबल्स बुलबुले बनता है, बुलबुले बन करके घाव को अच्छे तरीके से सफाई कर देता है, जो भी बैक्टीरिया रहते हैं, जो भी वहाँ इन्फेक्शन रहता है उसको अच्छे तरीके से साफ कर देता है। फिर आप उसके कान को ऐसे कर दें या छोड़ दें, बकरे बकरियाँ हिला करके खुद इस तरीके से जो है कि वो अपने उसको निकाल देते हैं, उसके बाद आप उसमें दवा डालो। तो दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैंने एक, आपके पास रुई होना चाहिए, मैंने एक रुई लिया हुआ है और इसमें मैं पहले से दवा लगा के रखा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हो। तो देखिए मैं किस तरीका से जो है कि इसके सफाई कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर घाव को पहले अच्छे तरीके से जो है कि इसको इस तरीका से सफाई कर लेना है, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने रुई में कॉटन में लगा लिया है और इस तरीका से
इसे घाव का सफाई कर लेना है। यहाँ पर जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, मक्खियाँ हाँक देती हैं, टट्टी बीट कर देती हैं, तो उससे भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये अच्छे तरीके से देखिए साफ हो गया। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मलहम चाहिए, कोई भी उसके ऊपर क्रीम चाहिए लगाने के लिए। तो देखिए मैंने लिया है ये सिप्लाडिन, ये है सिप्लाडिन, और मैं बता दूंगा कितना कितना प्राइस है। तो पहले आप देख लें, मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। देखिए इस तरीका से घाव चुकी भर चुका है, मैं थोड़ा सा ले लिया उंगली पर। देखिए अब क्या करना है आपको, इस तरीका से इनको उठाएं, ज़मीन पर लिटाएं या रखें, मैं तो वैसे ही लगा देता हूँ क्योंकि ये इसका रोचक काम है। देखिए इस तरीका से आपको अच्छे तरीके से रिलैक्स, अगर ये हिल रही है, थोड़ा चिल्ला रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी। देखिए अब इसके ऊपर लग गया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके ऊपर जो है कि लग गया, आराम से लग गया। देखिए अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, जा हेलो दोस्तों। इसके ऊपर जो है कि प्राइस लिखा हुआ है 32 रुपये। ये अगर आप बकरी पालन करते हो तो अपने फार्म पर हमेशा रखें, किसी भी प्रकार के घाव की सफाई के लिए, घाव के ड्रेसिंग के लिए ये बहुत ही काम आता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा ताकि आपको परचेस करने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे मैंने बताया क्रीम मलहम, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और मैं इसका पिक भी लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो और ये भी दोस्तों जो है कि बहुत महंगा नहीं मिलता है, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम छोटा बड़ा फाइल में आता है, 20 30 40 50 रुपए में सब मिल जाते हैं। आप अपने फार्म पर जो है कि हमेशा रखें, और कम से कम अगर घाव छोटा है तो बकरी का दिन में एक बार, अगर बड़ा घाव है तो बकरी का दो बार ड्रेसिंग करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ड्रेसिंग कर लोगे तो घाव जल्दी सूख जाता है, और उसका एक फ़ायदा और होता है कि जब आप ड्रेसिंग करते हो, इस तरीका से सफाई करके क्रीम लगाते हो, तो उसमें कीड़े मकोड़े मल जो है कि इन्फेक्शन और मक्खियाँ ये सब नहीं लगती हैं, और बकरे बकरियाँ बहुत ही जल्दी स्वस्थ और मस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों बकरी के घाव का ड्रेसिंग कैसे करना है अभी आप शायद समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मैं शुरू तो किया लेकिन बीच में वो छूट गया। जैसे मैंने बताया कि रोज़ डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेके आप बार बार जाओगे तो उसके ऊपर खर्च आता है, और बकरी पालन में मुनाफा तो है लेकिन उतना मुनाफा नहीं है। अगर आप खुद अपने हाथों से करोगे तब आपको मुनाफा मिलेगा, वैसे आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा कोशिश करें किसी भी बीमारी का इलाज, किसी भी घाव का इलाज करने के लिए आप अपने हाथों से जो है ये करें, एक दो बार आप डॉक्टर से करवाएं और उसको अच्छे तरीके से देखें, सीखें और अपने हाथों से करें, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है कि उसको कर पाएं और बकरी पालन में अच्छा मुनाफा कमा पाएं। तो दोस्तों छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।